स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और इसके जो पहले वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन 5A हाफ करा दिया था और मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है वो समझाया था। हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसमें वो आ गया था। अब मैं आपको आज बताऊंगा कि ये जो टॉपिक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसमें हम करते क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी कैपिटल होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक हमारी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमें दो अकाउंट बनाते हैं, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं। तो अभी मैं आपको इसका फॉर्मेट और ये होता क्या है वो समझाता हूँ। देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है कि जो पार्टनर ने पैसा लगाया था उसका अकाउंट बन रहा है। यानी कि पार्टनर ने मान लो 1,00,000 रुपए लगाया था, तो अब कितनी ब्याज और मिल गई, कितना पैसा और मिल गया, कितनी ड्राइंग कर ली, तो वो सब हिसाब किताब करने के बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। इसलिए बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट पार्टनर्स द्वारा बनाया जाता है, ये अकाउंट पार्टनर द्वारा बनाया जाता है। तो पार्टनर्स के लिए जो भी खर्चा होगा वो कहाँ आएगा, डेबिट में। पार्टनर के लिए जो भी फायदा होगा वो कहाँ आएगा, क्रेडिट में, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका एक फॉर्मेट बता देता हूं, ठीक। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पार्टनर ने ड्रॉइंग करी, ठीक है, ये पार्टनर के लिए फायदा है, नुकसान है, नुकसान है, बाद में ब्याज देनी पड़ेगी, तो ड्रॉइंग कहाँ आएगी, टू में। पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दी, खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ आएगी, टू में। पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस हुआ, कहाँ आएगा, टू में। और मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें। अब मैं बात कर लूं बाई साइड की। पार्टनर को सैलरी मिली, फायदा है, बाई में आएगा। पार्टनर को कमीशन मिली, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, पार्टनर को रिजर्व मिला, पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ, वो सब इधर आएगा। एक बार और देख लो, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये अकाउंट पार्टनर द्वारा बनाया जाता है, तो इसमें भी नॉमिनल अकाउंट का रूल चलता है, जो भी आपका खर्चा है वो डेबिट और जो भी फायदा है वो क्रेडिट। अब मैं 5A का जो क्वेश्चन है उसका आगे का जो ये कैपिटल अकाउंट ये आए हैं, ये कैसे आए हैं, क्या करा है, वो देखता रहता हूँ आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5A। देखो, इस 5A वाले क्वेश्चन में हमारे दो पार्टनर हैं, ए और बी, तो दो ही लाइन इधर कर ले रहा हूं। ये पर्टिकुलर, यहां जितने पार्टनर हैं उसके कॉलम, और दोबारा पर्टिकुलर, यहां जितने पार्टनर हैं उसके कॉलम। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, ये साइड डेबिट साइड और ये साइड क्रेडिट साइड। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी थी, ए की थी 60,000 और बी की थी 20,000। इसको मैं बाय में लिखूंगा, बाय बैलेंस करके। ए की थी 60,000 और बी की थी 20,000। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हमारा 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो लगाया था हमने, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने, ये रहा क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था ए को 3600 और बी को 1200, तो इसे हम डाल दूंगा। मैं कहाँ डालूंगा, बाय में डालूंगा, क्योंकि उनके लिए फायदा है। ए को 3600 हुआ था और बी को 1200 हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन में किसी को सैलरी भी मिली थी, बी को सैलरी मिली थी 6,000 रुपए की, तो बाय सैलरी किसको मिली थी, बी को, तो 6,000 रुपए बी में। उसके बाद ड्राइंग करी है 200 और 100 की, और ड्राइंग भी दे रखी है 6,000 और 4,000 की, तो ड्राइंग भी आएगा इसमें, टू ड्राइंग्स। कितना था ड्राइंग्स, कितना था, 6,000 और 4,000, ए का 6,000 और बी का 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है ए और बी ने, तो 200 और 100, यानी कि ए में 200 और 100 बी में।
उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने देखा था इनका प्रॉफिट आया था 13,500, जो कि पिछली वीडियो में हमने डिवाइड नहीं किया था बस। तो अब इसको दो हिस्से में बांट देंगे क्योंकि बराबर बांटना है। तो 2,612, ये 1,74,14, 2,612, 1,74,14, फिर 1,05 और 0, यानी कि दोनों के खाते में 6,750 का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट होगा तो कहाँ आएगा, बाय बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो 6,750 और 6,750 बस। अब कुछ नहीं आना इस फॉर्मेट में, ना ही इस क्वेश्चन में। अब क्या करना है हमें, इस साइड का टोटल, देखो जिस साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है उसको पहले कर लेते हैं। देखो यहाँ 6,200 है, यहाँ अकेला ही 60,000 है, यानी कि ये वाली साइड ज्यादा है, तो इसका आप लोगों को टोटल करना है। इसका टोटल कर लो और इसका टोटल कर लो। यहाँ जो टोटल आया इसका मैं कर लेता हूँ 60,000, 6,750 और 3,600, ये 0, ये 5, ये 7,613 और एक कैरी 10, ये आएगा 70,350 ए का। ऐसे ही मैं बी का कर लेता हूँ, तो बी का मैं करता हूँ 6,1200 और 6,750, यानी 0, 5, 9, 13, यानी कि ये आएगा मेरा 33,950, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, 70,350 में से 6,200 माइनस कर दो, 70,350 में से 6,200 माइनस कर दो, ये 1, एक कैरी लिया, यहाँ 4 और 6, यानी कि इधर बैलेंस कितना आया, 2 बैलेंस 64,150 ए का, और ऐसे ही ये माइनस कर दोगे तो 29,000 कुछ आ जाएगा बी का, 29,850। तो देखिए ये ए का आया 64,150 और बी का आया 29,850, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो ये मेरा 5 ए वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ 5 बी वाले क्वेश्चन की। 5 बी वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 बी में सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, और ये आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है 45,000 का, तो बाय नेट प्रॉफिट 45,000। उसके बाद अब खर्चे देखते हैं, कैपिटल है 90,000 और 60,000 की, और उनका जो सैलरी रखी है इंटरेस्ट कैपिटल है 5%, यानी 90,000 का 10% 9,000 और 5% 4,500। कौन कौन है पार्टनर, अनुभा और काजल, अनुभा और काजल, यानी कि 4,500 इसका आ गया। 60,000 का 5%, 10% 60,000 का 6,000 होगा और 5% 3,000 होगा, ठीक है, 4,500 और 3,000। उसके बाद आपको प्रॉफिट हो गया, सैलरी मिल रही है 700 पर मंथ और 500 पर मंथ। मैंने आपको बताया था सैलरी हमेशा ईयर वाइज आएगी, सैलरी हमेशा ईयर वाइज आएगी, तो अनुभा को मिल रही है 700 पर मंथ, यानी कि 700 × 12 8,400 समथिंग आ जाएगी अनुभा की। उसके बाद काजल को कितनी मिल रही है, 500 पर मंथ, यानी कि 500 × 12 6,000 समथिंग काजल की आ जाएगी। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है, ये कंसेप्ट एक आप समझ लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। देखो ड्राइंग दे रखी है हमें 8,500, ड्राइंग की रेट दे रखी है हमें 5%, लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं दे रखा हो कि साहब उसने ड्राइंग करी कब है, तो हम हमेशा 6 मंथ का लेते हैं, याद रखना ये कंसेप्ट। जब आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो कि ड्राइंग कब करी है, ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी है, तो आप हमेशा 6/12 करेंगे। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे अनुभा का, तो आपका आएगा 213। ऐसे ही जब आप काजल का सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 163। तो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाता है, बाई साइड जाता है, अनुभा का 213 और काजल का 163, बस और कुछ नहीं करना आपको। अब आप लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप लोग इसका टोटल कर लोगे और इसका टोटल कर लोगे, और इस टोटल से इस टोटल को माइनस करोगे, तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा, जो डिविजनल प्रॉफिट आएगा, वो आएगा 2,3,476 डिविजनल प्रॉफिट। इस शेयर को
इस शेयर को आप लोग इस रेशियो में बांट दोगे। ये आपका आंसर आ गया 2347 6 और 2347 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 5B का आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, जैसा मैंने बताया है। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप बाई में डालोगे 90,000 60,000, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई में, सैलरी बाई में, और जो इसमें प्रॉफिट हुआ है उसको 2:1 बांट के भी बाई में। 2 में आपकी ड्रॉइंग आएगी और जो आपने इंटरेस्ट ऑन निकाला ड्रॉइंग वो आएगी, उसके बाद बैलेंस कर देना। फिर भी नहीं आए तो मैं अगली वीडियो में 5B का पार्टनर्स कैपिटल कराऊंगा और 6 क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी आप लोग इस क्वेश्चंस को आके ट्राई भी करना, अगर आपको आए तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कॉमर्स क्रूज।